यूपी तक का परिवार अब 70 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आरिफ और सारस की दोस्ती का अंजाम क्या हुआ। पहली तस्वीर तब की है जब सारस आरिफ के पास था, उसके बाद उसके साथ रहता था, और दूसरी तस्वीर मौजूदा वक्त की है जब सारस चिड़ियाघर में है। 21 मार्च को आरिफ के पास से सारस को लेकर वन विभाग की टीम ने रायबरेली के पक्षी वन छोड़ दिया था, लेकिन अब सारस को एक नया ठिकाना मिल गया था, रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार से उन्नाव, और उसके बाद वहां से सारस को कानपुर के चिड़ियाघर लाया गया। सारस की शिफ्टिंग पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सवाल उठा दिए। अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें गाड़ी से सारस को ले जाया जा रहा है, और इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, चिड़ियाघर में बंद परिंदा, ये कैसी आजादी है। सारस को कानपुर चिड़ियाघर में शिफ्ट किया गया। चिड़ियाघर की टीम ने बताया कि सारस को उन्नाव से लखनऊ और समसपुर पक्षी विहार की टीम द्वारा कानपुर लाया गया है। यहां सारस को एक बंद पिंजरे में 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है। 15 दिन के बाद इसको चिड़ियाघर के उस बड़े हिस्से में छोड़ दिया जाएगा जहां पर वो आजाद रहेगा। चिड़ियाघर की टीम की माने तो सारस एकदम स्वस्थ है और प्रोटोकॉल के चलते 15 दिन की निगरानी में है। यहां पर सिर्फ केयरटेकर के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं है। सारस को जब पिंजरे में बंद रखा गया तो अखिलेश यादव भड़क गए और पिंजरे में बंद सारस का एक और वीडियो ट्वीट कर लिखा, सारस को तो कानपुर चिड़ियाघर भेज दिया, क्या गोलू को भी गोरखपुर चिड़ियाघर भेजेंगे। बता दें कि यहां अखिलेश यादव सीएम योगी के डॉगी गोलू की बात कर रहे हैं। गोलू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे चहेता डॉगी है। जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होते हैं तो गोलू को दुलार करना नहीं भूलते, और अब अखिलेश यादव की मांग है कि जैसे सारस को चिड़ियाघर भेजा गया वैसे ही गोलू को भी चिड़ियाघर भेजा जाए। बता दें कि आरिफ और सारस की दोस्ती का किस्सा सुनने के बाद अखिलेश यादव इनसे मिलने पहुंचे थे, और दोनों को अलग किए जाने के बाद से ही अखिलेश यादव सरकार और प्रशासन पर हमलावर है। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।